हरियाणा मेवात की सीमा से लगते राजस्थान के घाटमिका के रहने वाले जुनैद नासिर हत्याकांड के आरोपी मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया जा चुका है। मोनू बजरंग दल व गोरक्षा दल से जुड़ा हुआ है। मंगलवार सुबह 10 बजे गुड़गांव के सेक्टर 1 मार्केट से उनको हिरासत में लिया गया। एक सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इसकी सूचना सामने आई तो मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। उधर हिंदू संगठनों ने गिरफ्तारी का विरोध करते हुए मानेसर में पंचायत का आह्वान कर दिया। मोनू की मुरत हिरासत के लिए जाने खबर मिलते ही राजस्थान पुलिस भी हरकत पे आ गई और मंगलवार को ही कई गाड़ी नूह कोर्ट परिसर में पहुंच गई थी। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार एक पुलिस अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि 2 दिन तक पूछताछ के बाद मोनू मानेसर ने कबूल किया है कि नासिर जुनैद की हत्या में शामिल आरोपी रिंकू के वो संपर्क में था। अधिकारी ने कहा कि वो इस हत्याकांड में शामिल था, लेकिन अभी इसकी जांच चल रही है कि क्या ये उस कांड में मास्टरमाइंड था या नहीं। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद नूह पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट में है। नूह कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। भारी पुलिस बल की सुरक्षा में मोनू को कोर्ट परिसर में लाया गया। जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस आधा दर्जन गाड़ियों के काफिले के साथ अदालत में उनके अधिवक्ता सोमनाथ शर्मा ने मोनू की जमानत मांगी, लेकिन कोर्ट ने जमानत नहीं दी। फिलहाल कोर्ट के आदेश पर मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया। अब राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर से पूछताछ कर रही है। फरवरी महीने में राजस्थान मेवात के घाटमिका गांव में रहने वाले नासिर और जुनैद को जिंदा जलाकर मार दिया गया था, जिसका आरोप बजरंग दल के सदस्यों पर था। मोनू मानेसर भी इन्हीं आरोपियों में से एक था। इसको लेकर मेवा क्षेत्र में भारी गुस्सा था। तो वहीं गत 31 जुलाई को नूह में जलाभिषेक यात्रा के दौरान हुई हिंसा के लिए कुछ लोग मोनू मानेसर की सोशल मीडिया पोस्ट को जिम्मेदार मान रहे थे। इसके अलावा नासिर जुनैद हत्याकांड में उनकी गिरफ्तारी नहीं होने भी एक बड़ा कारण था। फिलहाल नूह पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजरानिया के निर्देश पर मोनू मानेसर की गिरफ्तारी तो कर ली गई। माना जा रहा है कि नूह पुलिस पूरी तरह सख्ती के मूड में है। अभी भी कई और बड़ी गिरफ्तारियां पुलिस कर सकती है। मोनू मानेसर के वकील सोमदत्त शर्मा ने बताया कि उनकी तरफ से 3 वकील कोर्ट में पेश किए गए थे। अवैध हथियार की धाराओं में जमानत नहीं दी जा सकती थी। मुकदमा नंबर 37 नूह पुलिस ने मोनू मानेसर खिलाफ मंगलवार को ही एक केस दर्ज किया था। सोमनाथ शर्मा का कहना है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने किसी प्रकार की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं किया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।